Well, moving on, coming back to Delhi, another incident of VIP arrogance has come to light, this time from the capital. And this is an Aam Aadmi Party MLA, Mahendra Goyal, who was caught on camera slapping a man publicly in New Delhi. The victim said the MLA had come to the water board office to reduce his water bill. When the victim refused to do him a favor, the MLA beat him up and even threatened to kill him. However, some say Mahendra Goyal slapped the man allegedly because he was an agent and took commission from the people for completion of the work. मैंने कहा सब आप अंदर जाइए और अंदर जाके स्टाफ से मिलिए, वही बिल कम करते हैं। इस बात पर उन्होंने जो है मुझे मारा, जब मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी और मेरे पास पेन भी नहीं था और उन्होंने मुझे मारा साहब, और उनके अंदर जाके बाहर बहुत मारा मुझे, और यहाँ जो है और फिर अंदर जा करके मेरे अपनी गाड़ी में विधायक जी ने मुझे पकड़ के मारा और गार्ड को भी उनके स्टाफ ने मारा। और साहब मैंने कहा मेरे चोट लग गई जिसकी MLC हो रखी है अम्बेडकर हॉस्पिटल में, और उनने धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ बहुत मारा पीटी की। गाड़ी में से जो आदमी चार पांच उतरे थे उन्होंने इस लड़के को मिनट को पकड़ रखा था और मारा पीटी मार, और विधायक साहब यहाँ खड़े होकर मारो मारो सबको छाते तोड़ दो, वहाँ तक छाते तोड़े जाके हैं, जबकि हमारा अपना लाइसेंस है 40-45 साल मेरे लाइसेंस को होके बने हुए। हमसे अपराध पूछो हमने क्या किया तो हमें भेज दो, यहाँ से उठा दो। वो कहते हैं 2 बजे तक अंदर बताओ, तो हम धूप में बताओ बारिश में बिना छाते के कैसे बैठेंगे।